राजमाता जिजाऊ के स्मृति दिन के उपलक्ष्य में ओबीसी स्थानिक स्वराज संस्था राजकीय आरक्षण और मुस्लिम समाज शैक्षणिक आरक्षण को समर्थन देते हुए गुरुवार को बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी की ओर से संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। बहुजन रिपब्लिक सोसाइटी पार्टी की ओर से गुरुवार को ओबीसी स्थानिक संस्था स्वराज आरक्षण, मुस्लिम समाज शैक्षणिक आरक्षण के समर्थन में और मागा स्वर्गीय आरक्षण के समर्थन में धरना आंदोलन किया गया। यह आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में किया गया, ऐसा इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा कहा गया। इस संबंध में पार्टी कार्यकर्ता ने अधिक जानकारी साझा की। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से आज पूरे महाराष्ट्र में कलेक्टर कचहरी पर ओबीसी स्थानिक संस्था स्वराज्य संस्था आरक्षण के समर्थन में, उसी प्रकार मुस्लिम भाइयों के शैक्षणिक आरक्षण के समर्थन में और मागास वर्गीय पदोन्नति आरक्षण के समर्थन में यह धरना आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। नागपुर जिला की ओर से आज यहाँ संविधान चौक में यह धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। आज राजमाता जिजाऊ की पुण्यतिथि है, इस उपलक्ष्य में आज पूरे महाराष्ट्र में यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया हुआ है। माँ जिजाऊ ने शिवाजी महाराज को अच्छी शिक्षा देकर महाराष्ट्र में मराठा राज्य स्थापन किया था और आज हालात यह है कि मराठा समाज को आरक्षण मांगने की जरूरत पड़ रही है। इस वक्त उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को रद्द नहीं करना चाहिए था, साथ ही मांग की कि मुस्लिम समाज को भी शैक्षणिक आरक्षण दिया जाए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।